तो हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा भाई लॉर्ड। तो रिसेंटली बंगाली इंडस्ट्री से अयोग्य नाम का एक मूवी से अरिजित का एक गाना आया जिसका नाम है केउ जानबे ना। और भाई ना ही ये गाना मेरा फीड में आया ना ही मेरे को इतना दिनों से कोई बताया। 3 दिन हो चुका है ये गाना निकल चुका है। कल मेरे को एक भाई ने कमेंट करके बोला कि भाई ये गाना के ऊपर रिएक्शन दो, और भाई आई डोंट नो मैं कैसे ये गाना को मिस कर दिया। खैर चलो चलते है गाना पे, गाना सुनते उसके बाद बाकी बात करते हैं। और भाई बहुत दिन बाद शायद मैं लास्ट जिया तू इशारा पे रिएक्शन दिया था, मैं भी तुम लोग बता सकते हो। चलो गाना सुनते उसके बाद बाकी बात करते हैं। तब तक के लिए ऐसा ही रिएक्शन देखना है। और अगर इस बंगाली भाई के ऊपर थोड़ा भी अंदर से ऐसा फील हो कि ना चलो इसको सब्सक्राइब करते हैं तो कर देना सब्सक्राइब। भाई कौशिक गांगुली का, भाई कौशिक गांगुली डायरेक्टर है, कौशिक गांगुली का ये लिरिक्स है और इंद्रादीप दासगुप्ता का म्यूजिक है। भाई लेट्स गो। ऋतुपर्णा बहुत साल बाद তোর বান্ধবী রাগ করে করো। আচ্ছা কেউ জানবে না, আহা কেউ বুঝবে না, অচেনা নদী দুটো মেশে মোহনা। क्या बात। কেউ জানবে না কেউ বুঝবে না, অচেনা নদী দুটো মেশে মোহনা। ও ঢেউ পেরিয়ে सही में बुके जमानो दोटाना शिलाजी भाई ये बंदे को क्या बोलूं मैं। आहा क्या लिरिक्स है यार। क्यों जानबे ना ऐसा गाना मैं कहीं पे सुना हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। मतलब इसका जो म्यूजिक है ओहो मुंबादा के हाथ में ये नहीं रहेगा। आहा दिस इज कॉल्ड बंगाली लिरिक्स। अबे ये तो उड़ीसा में पुरी में शूटिंग हुआ है मे बी। तो गेली ना जानी ना रे बुझी ना जे तो गेली ना क्यों जानबे ना क्यों बुझबे ना अचेना नदी दुटो मिशे। हल्का जो फ्लूट का साउंड आता है मस्त बोले तो। क्राइम थ्रिलर पिक्चर है क्या, देखना पड़ेगा। कौशिक गांगुली মানে সত্যি কি বলবো, আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। মানে অনেক দিন পরে কৌশিক গাঙ্গুলির এরকম লিরিক্স শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এন্ড वो जो लिरिक्स है কেউ जानवे ना কেউ বুঝবে না বুকের এই দোটানা, भाई वो लिरिक्स में ना अलग ही पीस है, अलग ही एक दर्द है, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। साथ में वही पे अरिजित का वॉइस। और भाई शायद भालोवासार मौसम के बाद ये एक गाना सुना जिसका लिरिक्स म्यूजिक के साथ अरिजित का वॉइस, भाई अंतर में पहुंच गया। और भाई मैं शॉक्ड हूं, मतलब ऐसा एक गाना पे 3 दिन में सिर्फ 67K व्यूज, मतलब क्या यार यार, किधर हो तुम लोग, जागो यार, जो म्यूजिक अच्छा है सुनो, सपोर्ट करो यार, शेयर करो। और भाई कौशिक गांगुली आई डोंट नो किधर बैठ के इसका लिरिक्स लिखा था, ताकि कौशिक गांगुली का दिल टूटा था तब जाके ये लिरिक्स लिखा था। मतलब इतना परफेक्ट, इतना इफी, इतना अनसर्टेन लिरिक्स, जो यार ऑब्वियसली कौशिक गांगुली बोल के पॉसिबल है। साथ में इंद्रादीप यार, ही इज द गोट ऑफ बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री। स्पेशली ये गाना में इंद्रादीप जो वायलिन एंड फ्लूट का डिजाइन किया है और वो खुद प्ले किया है, बोले तो आउटस्टैंडिंग मैचेबल। और साथ में अरिजित तो है ही इज और गुरुदेव। मतलब मेरा एक ही विश है, मैं अरिजित से जिस दिन भी मिलूंगा मैं उनका पैर छू के पहले एक प्रणाम लूंगा। मतलब उनका गाना सुन के जो हम लोग को फील होता है ना, स्पेशली मेरे को भाई, किसी का भी गाना मेरे को इतना डीप तरीके से तो हिट नहीं करता, करता भी है तो बहुत ही कम, एक्सेप्ट अरिजित। बाकी अगर ये गाना को रेटिंग किया जाए तो आउट ऑफ 5 मेरी तरफ से 5 स्टार रहेगा, एक्चुअली 10 स्टार रहेगा अरिजित का वॉइस एंड इंद्रादीप का म्यूजिक के लिए। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों को ये गाना कैसा लगा। थैंक यू सो मच अरिजित क्रिएशन मेरे को ऐसा एक गाना सजेस्ट करने के लिए। आई डोंट नो तुम लोग मेरे को क्यों सजेस्ट नहीं करते हो, और अगर ऐसा बंगाली इंडस्ट्री से गाना आए तो मेरे को एटलीस्ट थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया करो। खैर बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल पे ना हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोग सब्सक्राइब किए हो तुम लोग लाइक करो यार, एटलीस्ट मेरा वीडियो लाइक ना करो, ओरिजिनल वीडियो पे जाके लाइक कमेंट करो, इसका रीच बढ़े, लोग इसको प्यार दे। सही में ऐसा एक सोलफुल गाना यार डिजर्व करता है। इधर इंस्टाग्राम रील पे बाडो बाडी उसमें साला मिलियन व्यूज जा सकता है, तो भाई ये तो डिजर्व करता है ब्रो। खैर बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।